Hello friends, good afternoon and welcome to EduSite Live Lectures. Dear friends, today's topic for discussion is science journalism, why and how. To discuss this topic, we have with us our subject expert, Mr. Nimish Kapoor. Mr. Kapoor is a scientist and head of science film divisions in Department of Science and Technology, Government of India. Without further ado, I would like to welcome Mr. Kapoor and request him to start the lecture. Thank you. आज हम बात करेंगे साइंस जर्नलिज्म, जिसे हम विज्ञान पत्रकारिता कहते हैं, क्यों और कैसे. हमारे जो स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड से हैं या सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, सभी के लिए ये मुझे लगता है कि ये बातचीत होगी. और ख़ास तौर पे जो विज्ञान पत्रकारिता है, साइंस जर्नलिज़म है, वो कैसे, किसके लिए और क्यों की जाए, इसकी हम आज कुछ बात करेंगे. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ साइंस जर्नलिज्म. ब्रिंगिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट टुगेदर थ्रू ओरिजिनल न्यूज़ एंड एनालिसिस फॉर सोसाइटी एंड सिटीजन्स. हम जब अपने नागरिकों तक और सोसाइटी तक, समाज तक, हमारा जो ओरिजिनल न्यूज़ है उसका विश्लेषण करते हैं, समाचार को पहुँचाते हैं, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और विकास की बात एक साथ होती है, तो ये विज्ञान पत्रकारिता या साइंस जर्नलिज्म कहलाती है. और साइंस जर्नलिज्म को और हम बारीकी से जानें तो हम ये पाते हैं कि साइंस जर्नलिज्म कन्वेज रिपोर्टिंग अबाउट साइंस टू द पब्लिक एंड फील्ड टिपिकली इन्वॉल्व इंटरेक्शंस बिटवीन साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट एंड द पब्लिक. द एम ऑफ ए साइंस जर्नलिस्ट इज टू रेंडर द वेरी डिटेल्ड, specific and often jargon-laden information produced by scientists into a form that non-scientists can understand and appreciate while still communicating the information accurately. ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि साइंस जर्नलिज्म में एक विज्ञान का पत्रकार साइंटिस्ट की जो बात होती है, जो बहुत सारे जार्गन्स के साथ में होती है, उनको कैसे आम जन समझ की भाषा में और सही तरीके से, एक्यूरेट तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को मीडिया के ज़रिए प्रचारित प्रसारित करे, प्रकाशित करे. तो इसके लिए ज़रूरत होती है एक इंटरेक्शन की, जिसमें हम साइंटिस्ट और पत्रकार, एक जर्नलिस्ट के बीच इंटरेक्शन होता है. और इस इंटरेक्शन में जो चीज़ें आती हैं वो साइंटिस्ट एक प्राइमरी सोर्स की तरह काम करता है, या साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जहाँ से आती है, साइंटिफिक लैब या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, वहाँ से वो चीज़ें निकल के आती हैं और इस विज्ञान पत्रकारिता के ज़रिए समाज तक पहुँचती हैं. तो अब ये कैसे पहुँचती हैं और इनको कैसे प्रसारित करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे. वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट टू कवर इन साइंस जर्नलिज्म, बहुत बड़ी वैरायटी है जो विज्ञान पत्रकारिता के जरिए कवर होती है. साइंस जर्नलिस्ट ऑफन डू नॉट हैव ट्रेनिंग इन द साइंटिफिक डिसिप्लिन्स दैट दे कवर. सम हैव अर्न ए डिग्री इन ए साइंटिफिक फील्ड बिफोर बिकमिंग जर्नलिस्ट और एग्जिबिटेड टैलेंट इन राइटिंग अबाउट साइंस सब्जेक्ट्स. हाउ एवर, गुड प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यूज एंड इवन डिसेप्टिवली सिंपल क्वेश्चन सच एज वॉट डज दिस मीन टू द पीपल ऑन द स्ट्रीट कैन ऑफन हेल्प ए साइंस जर्नलिस्ट डेवलप मटीरियल दैट इज़ यूजफुल फॉर द इंटेंडेड ऑडियंस. तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि साइंस जर्नलिस्ट बहुत सारे वैरायटी के विषय कवर करता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक विषय में ट्रेंड हो, हर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन में उसने ट्रेनिंग ली हो या पढ़ाई की हो, ये कतई आवश्यक नहीं है. लेकिन जब एक प्रिपरेशन होती है इंटरव्यूज़ के ज़रिए, समाचारों के प्रस्तुतिकरण के ज़रिए, और आसान से क्वेश्चन जब ये जनता के बीच रखे जाते हैं, तो उस विषय को समझने लायक जब बनाया जाता है तो आम आदमी भी उसको समझता है. और ये बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो साइंस के अम्ब्रेला में आते हैं, जिसको एक जर्नलिस्ट साइंस की लैब से निकाल कर आम आदमी तक लेके आता है. सवाल उठता है, व्हाई साइंस जर्नलिज्म, विज्ञान पत्रकारिता की आवश्यकता क्यों है. ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस समय दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बता दें. आप ये
अगर साइंस बैकग्राउंड की हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। आप किसी भी सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कर रहे हों और अगर आप लेखक या पत्रकार बनना चाहते हैं तो आप भी साइंस जर्नलिज्म विज्ञान पत्रकार या विज्ञान लेखक बन सकते हैं। आपको ये आवश्यक नहीं है कि विज्ञान का विद्यार्थी ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं व्हाई साइंस जर्नलिज्म की। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर कैरीड आउट बाय अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ पीपल यूजुअली हिडन फ्रॉम पब्लिक व्यू इन देयर लेबोरेटरीज। व्हाट दे डू अफेक्ट्स एवरीवन येट मोस्ट पीपल रिमेन लार्जली अनअवेयर ऑफ हाउ दी साइंटिस्ट यूज टैक्सपेयर्स मनी एंड हाउ देयर वर्क इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी। जी हाँ, जो भी विज्ञान में विकास का काम होता है देश में और दुनिया में ग्लोब में, वो टैक्स पेयर्स के मनी से होता है और आम लोगों को ये बात नहीं पता होती कि एक विज्ञान की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक क्या काम कर रहे हैं। यहाँ एक जिम्मेदारी होती है विज्ञान पत्रकार की और विज्ञान पत्रकारिता की कि वो अपने लेखन और रिपोर्ट्स और समाचारों के जरिए टैक्स पेयर्स को ये बताए कि उनका जो धनराशि जो वो टैक्स के रूप में जमा करते हैं उसका प्रयोग किन विज्ञान प्रयोगशालाओं में और विज्ञान के किन प्रयोगों के लिए किया जा रहा है। देयर इज देयरफॉर ए कंसिडरेबल नीड फॉर इंडिविजुअल्स हु कैन एक्ट एज ब्रोकर्स बिटवीन साइंटिस्ट एंड द जनरल पब्लिक। दे आर साइंस जर्नलिस्ट। एक विज्ञान पत्रकार एक ब्रोकर की तरह काम करता है वैज्ञानिक और एक आम जनता के बीच। दिस नीड लार्जली डिफाइंस द रोल ऑफ द साइंस रिपोर्टर। जी हाँ, एक विज्ञान पत्रकार का जो रोल है वो साइंस और सोसाइटी के बीच जो कमी रह जाती है, जो गैप रह जाता है, उसको पूरा करने के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रयोग हमारे पैसे से होते हैं ये देश की जनता को बताना ज़रूरी है कि एक विज्ञान की प्रयोगशाला में कौन से प्रयोग किए जा रहे हैं, किसके लिए किए जा रहे हैं और किन उद्देश्यों से किए जा रहे हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर साइंस जर्नलिज्म। एक विज्ञान के पत्रकार के लिए जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं समझ लेते हैं। ए डिटेल्ड नॉलेज ऑफ साइंस इज़ नॉट नेसेसरली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि एक विज्ञान के पत्रकार को डिटेल नॉलेज हो साइंस की, ये एकदम आवश्यकता नहीं है। मोस्ट एडिटर्स एग्री दैट द फॉर्मूला फॉर ए गुड साइंस राइटर इज 80% गुड जर्नलिज्म प्लस 20% एप्टीट्यूड टू लर्न एंड कम्युनिकेट साइंस। अगर ये सामान्य तौर पे ये मान्यता है कि एक अच्छा साइंस लेखक या पत्रकार जो कि 80% उसके पास अगर वो अच्छी पत्रकारिता करना जानता है और 20% एप्टीट्यूड है, वो नज़रिया है, वो दृष्टिकोण है 20% उन चीज़ों को कवर करने का जो साइंस टेक्नोलॉजी हेल्थ और एनवायरमेंट पर्यावरण से जुड़ी हैं, और उनको सीखने समझने की अगर 20% भी ललक एक पत्रकार के अंदर है तो वो एक बेहतर साइंस कम्युनिकेट कर सकता है। यानी विषय की जानकारी या एक सामान्य ज्ञान उस विषय को जानने का जिज्ञासा 20% और बाकी एक पत्रकारिता की जो कला है, स्टाइल ऑफ राइटिंग है, वो लेखन के तौर तरीके हैं, वो प्रेजेंटेशन के तौर तरीके हैं, उसमें आपको 80% महारत हासिल होनी चाहिए जो एक पत्रकार और लेखक को समानता होती है। साइंस जर्नलिस्ट लाइक अदर जर्नलिस्ट मस्ट हैव एन इनसेटिबल एपिटाइट फॉर रीडिंग एंड द बेस्ट आर एंडोर्ड विद ए मेमोरी लाइक ए फिलिंग कैबिनेट। जी हाँ, पत्रकारों में ये बहुत आवश्यक है। खास तौर पे विज्ञान के पत्रकार का दिमाग एक फाइल कैबिनेट की तरह होता है। उसकी याददाश्त में वो बहुत सारे दृश्य, वो बहुत सारे आंकड़े, वो बहुत सारी परिभाषाएं, वो बहुत सारे शोध के निष्कर्ष और वो बहुत सारे विज्ञान के समाचार जमा रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं और उनको जानने की ललक भी और जिज्ञासा भी उनको होती है, क्योंकि तभी वो एक बेहतर विज्ञान के पत्रकार हो सकते हैं। मान लीजिए कि आज एक एड्स पे या कैंसर पे या ट्यूबरकुलोसिस पे या पर्यावरण विषय कोई भी रिसर्च हो रही है, क्या वो रिसर्च 25 साल पहले या 50 साल पहले भी दुनिया के किसी कोने में हुई थी, या पिछले 50 सालों में या 10 सालों में क्या खास चीज़ें और नए आयाम दुनिया की प्रयोगशालाओं में उस रिसर्च में जोड़े गए। ये तमाम जानकारियाँ एक पत्रकार को उसकी याददाश्त में उसको संजो के रखनी होती हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके फाइल में, उसके कैबिनेट में
और उसके याददाश्त में, जी हाँ, जिसको मेमोरी को, उस याददाश्त को भी एक फाइल कैबिनेट की तरह कहा जाता है, ये सब चीज़ें सजोकर रखना जाना आवश्यक है. दे मस्ट ऑल्सो हैव चाइल्ड लाइक क्यूरोसिटी अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम एंड हाउ इट वर्क्स. जी हाँ, एक जो बाल बच्चे की तरह जो जिज्ञासा है वो एक पत्रकार में बहुत आवश्यक है, और वो कैसे ये काम करती हैं चीज़ें इसको भी जानने की जिज्ञासा बहुत प्रबलता के संग एक पत्रकार में होनी चाहिए. हाउ टू एंटर इन द फील्ड ऑफ साइंस जर्नलिज्म, एक विज्ञान पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे एंटर किया जाए, कैसे प्रवेश किया जाए, ये बहुत आवश्यक है कि आप, सबसे बड़ी जो शर्त है वो है रीडिंग, राइटिंग एंड गेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एनवायरमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट एंड सो ऑन फ्रॉम प्राइमरी एंड रिलायबल सोर्सेज. ये बहुत आवश्यक है कि प्राथमिक और भरोसे के लायक जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, उनसे ही आपको ये जानकारी हासिल हो, और जब ये जानकारी आपके पास आएगी आप उसे पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे और उस पर लिखेंगे, और नई नई जानकारियां जब आपके पास आएंगी, ये एक पहला पड़ाव होगा विज्ञान पत्रकारिता के में दाखिल होने का. और इसके अलावा अगर आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा कोर्स है जो विज्ञान पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है या विज्ञान संचार से जुड़ा हुआ है, जो आपको हेल्प करेगा इस विज्ञान संचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने में, आगे जाने में. अब आप ये भी समझते चलें कि ऐसे कौन से पाठ्यक्रम हैं जो विज्ञान संचार से जुड़े हुए हैं और जो आपको विज्ञान संचार में पारंगत बना सकते हैं, वो विज्ञान लेखन की बात हो, विज्ञान पत्रकारिता की बात हो, विज्ञान के संपादन की बात हो. तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो काउंसिल है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, इस परिषद ने आरंभ किए हैं आज से लगभग 20 बरस पहले, और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज दे रहा है, और इनके साथ जो यूनिवर्सिटीज संलग्न हैं जिनके जरिए ये पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं विज्ञान संचार के, वो हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स कोलकाता और बेट्स पिलानी के सौजन्य से ये पाठ्यक्रम है, और सी डेट त्रिवेंद्रम. तो ये पांच मुख्य विश्वविद्यालय हैं, संस्थान हैं, जहां पर देश में विज्ञान संचार की पढ़ाई की जा रही है, और हर साल लगभग 100 से 150 की तादाद में बच्चे इस कोर्सेज को पढ़कर निकलते हैं, विज्ञान संचारक बनते हैं, एक प्रशिक्षित प्रशिक्षण लेते हैं विज्ञान पत्रकारिता का और विज्ञान संचार का इन संस्थानों में. सबसे बड़ी बात है ज़ील फॉर साइंस राइटिंग और रिपोर्टिंग, एक उत्साह, एक ललक, एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, तभी आप एक अच्छे साइंस राइटर या साइंस रिपोर्टर या कहें साइंस जर्नलिस्ट बन सकते हैं. एक डिग्री लेना एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एक चीज़ है, आप डिप्लोमा कर सकते हैं पत्रकारिता में, उसके बाद भी आप विज्ञान संचार में अगर सक्रिय हैं और आप विज्ञान विषयों पर लिखते आए हैं तो आप विज्ञान पत्रकारिता में आ सकते हैं, लेकिन गेटिंग द डिग्री और डिप्लोमा ऑफ जर्नलिज्म और साइंस कम्युनिकेशन इज़ नॉट सफिशियंट फॉर एनी ब्रांच ऑफ जर्नलिज्म. जी हाँ, पत्रकारिता में आपने क्या लिखा, आप क्या लिखते आए हैं, आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना बहुत आवश्यक है. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लिखना आरंभ कीजिए, आज इंटरनेट का युग है और आज आपके साथ में ब्लॉग अवेलेबल हैं, अपना ब्लॉग बनाइए और उस पर लिखना आरंभ कीजिए, और जो भी अखबार, वो छोटा है या बड़ा है ये इसको विषय नहीं है, लेकिन कोई भी अखबार ऐसा हो जिसमें आपके लेख छपते हों, आप लिखना जानते हैं, और जो भी पत्रकार के संपादक हैं, सीनियर एडिटर्स हैं, ओनर्स हैं, और जो भी मीडिया एस्टेब्लिशमेंट के हैं, दे मोस्टली लुक फॉर ए ज़ील फॉर साइंस राइटिंग, एनवायरनमेंट रिपोर्टिंग, साइंस रिपोर्टिंग एंड द एबिलिटी टू राइट साइंस स्टोरीज इन ए वे दैट द जनरल पब्लिक कैन अंडरस्टैंड. आम आदमी उसको समझ सके, आप जो लिखें उस समाचार को, उस लेख को आम आदमी को लाभ हो सके, वो उसको समझ सके, ऐसे विज्ञान लेखन को, ऐसे पर्यावरण और स्वास्थ्य लेखन की हर अखबार में, हर मीडिया एस्टेब्लिशमेंट में कद्र है, वो चाहे टीवी चैनल हो, चाहे वो वेब पोर्टल हो या
कोई अखबार हो तो या कोई मैगजीन हो. प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स लाइक टू सी व्हाट यू हैव रिटन. यू मस्ट स्टार्ट राइटिंग ऑन साइंस, एनवायरमेंट एंड हेल्थ इश्यूज इन एनी न्यूज़पेपर और मैगजीन. डजंट मैटर हाउ बिग और स्मॉल इट इज, इट कुड हेल्प टू गेट फर्स्ट जॉब. जी हाँ, आप जो पहला जॉब करेंगे उसको करने में, उसको एंट्री पाने में आपका लेखन, आप जहाँ भी लिख रहे हैं वो अखबार छोटा है या बड़ा है, जैसे मैंने बताया, डजेंट मैटर, लेकिन आपका चीज़ प्रकाशित हुई होनी चाहिए, आपके पास कुछ आलेख होने चाहिए जो कि आपको पहला जॉब दिलाने में मददगार होगा. बिल्डिंग ए नॉलेज बेस, ए जनरल नॉलेज ऑफ मोस्ट फील्ड्स इज रिक्वायर्ड फॉर साइंस जर्नलिज्म. बहुत सारी फील्ड हैं, बहुत विविध आयाम हैं. आप समुद्र विज्ञान की बात करें, आप अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें, आप स्पेस साइंस या एस्ट्रोनॉमी की बात करें, आप बायोटेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, आप इन्वायरमेंट की बात करें, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स या बॉटनी, जूलॉजी और जो बेसिक साइंसेज हैं आप उनकी बात करें, आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, आप जियोलॉजी की बात करें, आप अर्थ साइंस की बात करें, आप बहुत विशाल वृहत फील्ड है विज्ञान पत्रकारिता की, जिसमें एक सामान्य ज्ञान इन विषयों का आपको अवश्य होना चाहिए. वो ला नीना या अलिनो की बात हो, या सुनामी या ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, या क्लाइमेट चेंज की बात हो, और उस पर जो हमारे प्रोटोकॉल्स देश और दुनिया में हो रहे हैं, बनाए गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके जो सेमिनार्स होते हैं उसमें क्या रिकमेंडेशंस निकलते हैं, इन सब की समझ आपको होनी चाहिए. इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल के साथ लोकल, स्थानीय लेवल की समझ, ये बहुत आवश्यक है एक विज्ञान या पर्यावरण पत्रकार के लिए. साइंस इज नॉट ए स्टैटिक फील्ड एंड न्यू नॉलेज इज जनरेटेड एवरी डे. विज्ञान एक खुली हुई खिड़की की तरह है, ये ठहरा हुआ तालाब नहीं है, एक स्टैटिक फील्ड है जिसमें नई नॉलेज हर दिन उत्पन्न होती है, जिसे आपको आत्मसात करना है. ए गुड साइंस रिपोर्टर मस्ट बी विलिंग टू कॉन्स्टेंटली अपडेट हिज और हर नॉलेज. एक अच्छा रिपोर्टर वही कहलाएगा जो अपने ज्ञान को प्रतिदिन बढ़ाता जाए. और टू स्पॉट ए ब्रेकिंग साइंस स्टोरी वन नीड टू बी अप टू डेट विद व्हाट इज हैपनिंग इन साइंस लैब्स एंड इंस्टीट्यूशंस. जी हाँ, आपको ये भी साथ में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा कि हमारी विज्ञान प्रयोगशालाओं और संस्थानों में क्या हो रहा है. ऑन एनी गिवन डे ए साइंस राइटर मे बी आस्क टू कवर ए स्पेस मिशन, ए सस्पेंडेड डिजीज एपिडेमिक इन द सिटी ड्यूरिंग द डे, एन इंटरव्यू ऑफ ए साइंटिस्ट इन द इवनिंग. जी हाँ, आपको ये कहा जा सकता है कि आप एक अभी जो मंगलयान या चंद्रयान मिशन पिछले 2-4 साल में भारत की एक अभूतपूर्व सफलता भारत को मिली, उसको भी आपको कवर करना है, उसके विशेषज्ञों से बात करनी है, लाइव कवरेज करने हैं, अखबार के लिए आपको रिपोर्टिंग करनी है, और उसके साथ आपके शहर में एक ऐसी एपिडेमिक, एक ऐसा रोग भी फैला है जिसको आपको कवर भी करना है, उसके अलावा शाम को आपको किसी वैज्ञानिक का साक्षात्कार भी करना है. तो आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जो विज्ञान पत्रकारिता का जो करियर है, ये आपको व्यस्त रखेगा और बहुत सारे काम ऐसे आप करेंगे जो आम जनता तक, जिनका लाभ पहुंचाया जाना आपकी कलम से या आपके कैमरे से आवश्यक है, और ऐसा होना भी चाहिए. हाउ टू गेट ए गुड साइंस स्टोरी, एक बेहतर साइंस स्टोरी या साइंस जो समाचार है उसको पत्रकारिता की भाषा में स्टोरी कहा जाता है. और ये अच्छी साइंस की स्टोरी आपको कहाँ से मिलेगी. एन अलर्ट माइंड टूवर्ड्स द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल डेवलपमेंट्स ऑन SNT. जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की बात हो रही है, उसमें आपके मस्तिष्क को अलर्ट रहना होगा. An aptitude for investigative work on SNT issues. आपको ये जिज्ञासा अपनी बढ़ानी होगी, और जो भी इन्वेस्टिगेटिव वर्क हो रहा है देश और दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, उनको आपको अपना एप्टीट्यूड जगाना होगा. अप टू डेट नॉलेज अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, उनमें आपको अपना ज्ञान समृद्ध करना होगा, अप टू डेट करना होगा, तब आपको बेहतर स्टोरीज, अच्छे न्यूज़ आइटम्स और अच्छी टॉपिक्स मिलेंगे जिन पर आप लेखन कर सकते हैं, समाचार और फीचर भी बना सकते हैं. चैलेंजेस इन गेटिंग गुड साइंस स्टोरीज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे हमको अच्छी साइंस की स्टोरीज मिलें.
देश में जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे भारत और हमारे और एशियाई देश, उनमें ख़ास तौर पर हमारी जो न्यूज़ रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अगर हम साइंस के न्यूज़ की रिसोर्सेज की बात करें, विच मेक्स द टास्क ऑफ कलेक्टिंग न्यूज़ हार्डर, क्योंकि हमारे लैब्स में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स नहीं हैं, प्रेस ऑफिसर्स नहीं हैं, और जब हमारे बड़े सेमिनार्स होते हैं तो उनकी एक छोटी सी खबर बनती है कि ये सेमिनार हुआ, लेकिन उस सेमिनार में क्या चर्चा हुई, कौन विशेषज्ञ आया, क्या नोबेल लॉरियट्स आए, उन्होंने क्या कहा, किस विषय पर वो रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह से वो आम इंसान या मानव जाति के लिए फ़ायदेमंद होगा वो रिसर्च, इसकी बात बहुत पीछे छूट जाती है। और उसका यही एक तरीका है कि हमारा रिपोर्टर इन चुनौतियों को बखूबी सामना करता रहा है और आगे भी करेंगे। और देर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइज आउटलेट्स ऑफ साइंस न्यूज़, द साइंस रिपोर्टर इज़ अनलाइकली टू बी हैंडेड रेडीमेड साइंस स्टोरीज़। हमारे रिपोर्टर्स को साइंस की न्यूज़ जाके ढूंढनी पड़ती है, तलाशनी पड़ती है, और कहीं भी कोई रेडीमेड स्टोरीज़ का बहुत मिल जाए ऐसे बहुत कम चांस होते हैं। क्लूज़ अबाउट डेवलपिंग साइंस न्यूज़ आर नॉट ईजिली फोर्थ कमिंग ड्यू पार्टली टू द एब्सेंस ऑफ प्रेस ऑफिसर्स इन द साइंस लैब्स। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो वैज्ञानिक प्रतिष्ठान हैं उनमें हमारे पास प्रेस ऑफिसर्स या पब्लिक रिलेशन का कल्चर नहीं है, और हमारे वैज्ञानिक भी सीधी बात पत्रकारों से नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे उनमें बंदिशें हैं कि उनका रिसर्च अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, रिसर्च अभी चल रहा है, प्रयोगशाला के अंदर है, जब तक वो रिसर्च पूरा नहीं कर लेते तब तक वो पत्रकार को साझा नहीं करेंगे वो जानकारी, अगर साझा करेंगे भी तो ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि पब्लिक डोमेन में देने से कोई किसी का किसी तरह का नुकसान ना हो। कॉपीराइट इश्यूज़ भी सामने आते हैं, और एक और भी इशू है कि उनको परमिशन लेनी होती है अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के एक विज्ञान पत्रकारिता का जो माहौल है, एक साइंस की न्यूज़ जो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, उसमें कुछ अवरोध ज़रूर पैदा करते हैं। ए हैंडफुल ऑफ कंपनीज हैव मीडिया रिलेशंस यूनिट्स रादर देन पब्लिशिंग न्यूज रिलीजेस अबाउट द साइंस गोइंग ऑन इन द इंस्टीट्यूशंस, द टेंडेंसी इज़ टू फोकस ऑन स्पीचेज एंड इनॉग्रल टॉक्स। जी हाँ, ये टेंडेंसी हिंदुस्तान में भी है और मुल्कों में भी होगी कि हमारा चीफ गेस्ट, हमारा जो भी अतिथि है, उन्होंने क्या बोला, उसकी स्पीच केवल प्रेस की न्यूज़ बनती है, जबकि होना ये चाहिए कि उस सेमिनार में वैज्ञानिकों ने किन शोधों की बात की, रिसर्च की बात की। आप देखें, रिसर्च इज़ कैरीड आउट इन गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हू साइंटिस्ट आर गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम टॉकिंग टू रिपोर्टर्स विदाउट परमिशन। परमिशन की बात मैंने की आपसे ऑलरेडी। तो ये सारे अवरोध हैं जो साइंस जर्नलिज्म के, साइंस के पत्रकार के समक्ष मौजूद रहते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हमें ज़रूर पता लगाने में ये चीज़ें मिलेंगी कि हमारा आप देखें पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मरीन साइंस, डिफेंस मिनिस्ट्री में अनेक ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो बहुत अच्छे, स्पेस की बात करें हम, मरीन साइंस की बात करें हम, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें, जिसमें आम आदमी के लिए रिसर्च हो रहे हैं, R&D हो रहे हैं, क्यों ना। न्यूट्रिशन हेल्थ के इश्यूज हमारे बहुत एक्टिव हैं, ICAR की प्रयोगशालाएं, कृषि की प्रयोगशालाएं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऐसे अनेक प्रयोगशालाएं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च CSIR की प्रयोगशालाएं, तमाम काम हो रहे हैं जिनको एक विज्ञान का पत्रकार बखूबी कवर कर सकता है। और इसके लिए हर लैब में प्रयास होने चाहिए और हो भी रहे हैं कि कैसे पत्रकारों के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए वो चीज़ों को बाहर लेके जाया जाए। वेयर आर दी जॉब्स? अभी सबसे बड़ी बात आती है कि ये जॉब्स कहाँ मिलेंगे अगर हम कोई भी साइंस रिपोर्टिंग या राइटिंग का पाठ्यक्रम करते हैं या इस दिशा में जाना चाहें। हम पत्रकारिता का पाठ्यक्रम कर रहे हैं और अगर हम एक साइंस रिपोर्टर या राइटर बनना चाहें तो हमें कहाँ जॉब मिलेंगे? न्यूज़पेपर्स और समाचार एजेंसियाँ, PTI आदि बहुत सारी एजेंसीज़ हैं राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की जो साइंस रिपोर्टर्स, साइंस करेस्पॉन्डेंट्स और कॉपी एडिटर्स नियुक्त करती हैं, जिसमें बहुत अच्छे अवसर रहते हैं कि आप विज्ञान के जानकार हैं और आप जानते हैं कि पर्यावरण की पत्रकारिता, स्वास्थ्य और विज्ञान की पत्रकारिता कैसे होती है। तो यहाँ आपके लिए अवसर बने हुए हैं। TV न्यूज़ चैनल्स हैं, साइंस रिपोर्टर, प्रोग्रामर, प्रोड्यूसर फॉर साइंस, एनवायरमेंट एंड हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम। TV न्यूज़ में रिपोर्टिंग के अलावा प्रोडक्शन भी होता है, प्रोग्रामिंग भी होती है, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिसमें आपको एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के जॉब मिल सकते हैं, जिसमें आपको जिम्मेदारी होती है कि आप
पर्यावरण और स्वास्थ्य विषयों पर प्रोग्राम बनाएं। कॉरपोरेट इंडस्ट्री और एनजीओ सेक्टर में बहुत बड़ा सेक्टर है, विज्ञापन इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, प्रेस ऑफिसर्स हैं, पीआर प्रोफेशनल्स हैं और एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स हैं, और इस कॉरपोरेट इंडस्ट्री सेक्टर के अलावा फ्रीलांस राइटर्स हमारे बहुत बड़ी तादाद में ये फ्रीलांस राइटर्स भी हैं जो किसी ना किसी मैगजीन्स और अखबारों के साथ जुड़े हुए हैं और उनको रेगुलर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और ये भी एक अपने आप में एक अच्छा प्रोफेशन सामने आया है। अब हम बात करेंगे फ्यू स्टेप्स टुवर्ड साइंस रिपोर्टिंग और राइटिंग, कुछ कदम हम साइंस रिपोर्टिंग की तरफ ही बढ़ाएं। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर, अगर आप लेखन और पत्रकारिता के इच्छुक हैं तो क्यों ना आप विज्ञान पत्रकारिता की तरफ कदम बढ़ाएं। और सबसे पहली उसमें बात आती है हाउ टू अप्रोच विद साइंस आर्टिकल्स टू एडिटर्स। रीड द पब्लिकेशन यू आर पिचिंग एंड वर्क आउट what sorts of stories they are interested in and what slots are available. Think about the format your story will work best in. Is it news, a blog, opinion, a feature or something else? Identify a specific section and find out who edits it. Then pitch directly to them, not a general email. Aap sabse pehle, आप जब संपादक से मिलने जाएं, उससे पहले आपको ये पता हो कि वो पब्लिकेशन किस तरह का है, उसकी भाषा कैसी है, उसका मजमून कैसा है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, किस तरह के मुद्दों पर, किस तरह के विषयों पर, किस तरह के थीम्स पर उस अखबार में या मैगजीन में वो चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं। थिंक अबाउट द फॉर्मेट, वो कैसे फॉर्मेट हैं, उसमें खबर है, लेख है, संपादकीय लेख हैं, फीचर हैं, बहुत सारे व्यंग हैं, तो ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हैं जो हर एक अखबार में और उसकी मैगजीन में उसकी पहचान होते हैं। तो आप सबसे पहले ये तय करें कि आप किस कॉलम में आपका लेखन जो है वो फिट बैठता है, उसके बाद आप संपादक से मिलने जाएं और उस अखबार को या मैगजीन को या वेब सर्विस है, ब्लॉग है, आप उसको अच्छी तरह पढ़ें, उसको उसका अवलोकन करें और ये सोचें कि हम आप कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस कॉलम में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक सेक्शन एंड फाइंड आउट हु एडिट्स इट, और उस स्पेसिफिक सेक्शन में आप जहाँ लिखने की तैयारी कर रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई करें और ये पता लगाएं कि उसको संपादन कौन कर रहा है, उसका संपादक कौन है। उसके बाद बेहतर होगा कि आप उस अखबार में या उस दफ्तर में जाएं और ये पता करें और उनसे सीधे मिलें। आप ईमेल करने से बेहतर है कि आप अगर डायरेक्टली एक फर्स्ट मीटिंग करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, तो आपके जो विज्ञान के आलेख हैं, आपका जो लेखन की शुरुआत है वो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि आप आमने सामने एक संपादक से रूबरू हो रहे होंगे। ईमेल इज़ मोस्टली बेस्ट फॉर एन इनिशियल अप्रोच। आप ईमेल से एक अपने इनिशियल अप्रोच कर सकते हैं, इंक्लूड ए क्लियर एंड कंसाइज टॉप लाइन दैट सम्स अप द स्टोरी। आप जो भी लिख रहे हैं उसमें बहुत क्लियर और कंसाइज उसके शीर्षक होने चाहिए, उसकी आरंभिक पंक्तियां बहुत समझ में आने लायक होनी चाहिए। इफ़ यू आर पिचिंग न्यूज़, दिस इज़ प्रोबेबली द टॉप लाइन ऑफ योर स्टोरी। फॉलो दैट विद 100 वर्ड्स और सो ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। 100 शब्दों में आप पूरा प्रसंग और उसका पृष्ठभूमि बता दें, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज समय की कमी है और वो 100 शब्द ये तय करेंगे कि आपका आलेख या समाचार छपने लायक है या नहीं। दिस शुड बी इन्फॉर्म दैट बैक्स अप योर टॉप लाइन एंड हेल्प्स टू एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। देन गिव ए ब्रीफ समरी ऑफ हु यू आर, इंक्लूडिंग विच पब्लिकेशंस यू हैव वर्कड फॉर प्रीवियसली। दैट विल हेल्प योर एडिटर टू गेट ए फील फॉर योर राइटिंग क्रेडेंशियल्स। ये आप बता दें पहले में आपका जब भी इंटरेक्शन हो कि आप जो साइंस या इन्वायरमेंट लिखने जा रहे हैं, आप कब से लिख रहे हैं, आपको उस विषय में कुछ विशेषज्ञता है या नहीं है, आप ये आरंभिक प्रयास कर रहे हैं या आपके आलेख पहले भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये एक एडिटर को हेल्प करेगा कि आपके जो राइटिंग क्रेडेंशियल्स हैं वो उनको भली भांति जान पाएगा और आपको उसी तरह से वो एक यथोचित मौका देगा। हाउ टू अप्रोच विद साइंस आर्टिकल्स टू एडिटर्स, ये भी अपने आप में एक बहुत समझने लायक चीज़ है कि हम साइंस आर्टिकल्स को जब संपादक के पास जाएं तो किन बातों का हम ध्यान रखें, डूज एंड डोंट्स, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
टारगेट ए पर्टिकुलर सेक्शन एंड पिच टू द एडिटर रिस्पॉन्सिबल. एक पर्टिकुलर सेक्शन जैसे हमने पहले भी बताया, आप उसको टारगेट करें. जैसे कि एक आप अखबार देखें, उस अखबार में फीचर पेज भी होता है, संपादकीय पेज भी होता है, बहुत से विचारात्मक निबंध भी निकलते हैं, बहुत सी ओपिनियन भी उसमें छपती हैं, समाचार पर आधारित आलेख भी छपते हैं और समाचार भी छपते हैं. तो ये आपको सबसे पहले तय करना होगा कि आप विज्ञान या पर्यावरण पर जो भी लिखने जा रहे हैं वो एक समाचार है, एक आलेख है, एक निबंध है, एक फीचर है, एक ओपिनियन है या एक विश्लेषणात्मक आलेख है. तो आप जब उसे लिखेंगे उसके बाद आप उस सेक्शन को पहचानेंगे और उसके बाद आप पिच करेंगे उस जो भी संपादक रिस्पॉन्सिबल है उसके पास. इंक्लूड ए क्लियर कंसाइज टॉप लाइन फॉर योर आर्टिकल. बहुत स्पष्ट शीर्षक और आरंभिक पंक्तियां, जैसे मैंने बताया आरंभ में ही वो ये क्लियर हो जाए कि आप क्या बताना चाहते हैं. और गिव ए ब्रीफ समरी ऑफ हु आर यू. आप कौन हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, उसके बारे में भी अगर आप संपादक को बताते हैं तो खास तौर पर क्योंकि ये विज्ञान और पर्यावरण पत्रकारिता के लिए एक दक्षता की आवश्यकता है, एक विषय की समझ की आवश्यकता है, तो पत्रकार आपके संपादक को ये आसानी होगी कि वो आपको समझ सके और आपको अच्छा मौका दे सके. डोंट पिच योर आर्टिकल विदाउट फर्स्ट रीडिंग द पब्लिकेशन. ऐसा आप पता ही ना करें, आप उस पब्लिकेशन के बारे में नहीं जानते हैं, आपने उसको नहीं पढ़ा है, लेकिन आप उसमें आलेख भेज देते हैं, ऐसा कतई ना करें. जस्ट सिट देयर इफ यू गेट नो रिप्लाई. अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो उसका वेट करें. गिव अवे टू मच इफ इट्स ए रेड हॉट स्टोरी. तो डोंट गिव अवे टू मच इफ इट्स ए रेड हॉट स्टोरी और डोंट जस्ट सिट देयर इफ यू गेट नो रिप्लाई. तो आप कुछ देर वेट अवश्य करें उसका प्रतीक्षा, लेकिन उस पर जाकर आप बात भी करें. तो मुझे लगता है कि आप जब ऐसे अप्रोच करेंगे तो आपको जो पहला मौका होता है वो ज़रूर मिलेगा. और अगर आप एक पत्रकार हैं, ऐसे बहुत सारे अखबार हैं जो बहुत से विषयों पर, कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें कंट्रोवर्सी होती है, जैसे बीटी क्रॉप्स की बात है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, इन विषयों पर, उन कंट्रोवर्शियल इश्यूज को आप बहुत आसानी से, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनको कंट्रोवर्सी से बाहर निकालें. उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी की समझ आम जनता को देना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती और एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी विज्ञान लेखक की है या साइंस जर्नलिस्ट की है. अखबार में खबर छपती है कि परमाणु बिजली घर में खतरा है विकिरण का और इसलिए वो हंगामा बरपता है और वो लोग उसके विरोधी हो जाते हैं. और ये खबर जब छपती है तो उसमें शायद ये खबर छपना रह जाती है कि देश में इतना पर्याप्त मात्रा में थोरियम है और 3-stage न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पर देश काम कर रहा है और जिससे आने वाले सालों में इतनी बिजली बनेगी कि हिंदुस्तान बिजली के मामले में एक समृद्ध राष्ट्र कहलाएगा. और ये बात हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशी राष्ट्रों ने भी कही है. लेकिन ये बात अखबार में कब आएगी, जब आप एज ए साइंस जर्नलिस्ट एक विज्ञान या पर्यावरण पत्रकार की हैसियत से अपना करियर आरंभ करेंगे और आप ऐसे विषयों को टच करेंगे जिसमें जिनको कंट्रोवर्सी से बाहर निकाला जाना आवश्यक है और एक जनता की आम जन समझ के लिए उन विषयों को गहराई से और समझ में आने वाली भाषा शैली में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है. इसी तरह से अगर आप ले लें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को, इसमें बहुत पत्रकारिता हो रही है और हमारा जो पॉलिटिक्स और हमारे जो बहुत सारे समाजसेवी संगठन या किसान के संगठन इसके खिलाफ हैं, इसको जाने बगैर अगर हम इसको जानने की चेष्टा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यानी जीन में हम किसी एक पौधे के जीन में दूसरे पौधे का जीन प्रत्यारोपित करते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू होता है और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की शाखा बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है. और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड एक बेहतर फसल देता है, अच्छा उत्पादन देता है और वो स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहतर होता है. ऐसे अभी तक किसी मुल्क में एग्जाम्पल या उदाहरण नहीं आए हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हार्मफुल है. कुछ विदेशी कंपनियां ज़रूर हावी हो गई जिनको हमें अलग कर देना चाहिए, उनकी बात हम ना सुने, लेकिन हिंदुस्तान का वैज्ञानिक क्या कह रहा है इसको बताना आपका एक विज्ञान पत्रकार का और एक विज्ञान लेखक का दायित्व है कि विज्ञान की बात आम भाषा में आम जनता तक पहुंचनी चाहिए. और ये आपका भी अधिकार है और ये जानने वाले का भी अधिकार है कि वो इन विज्ञान की उन चीज़ों को जाने जो बेवजह कंट्रोवर्सी में रखती जाती हैं.
अब बात आती है हाउ टू रिपोर्ट फ्रॉम ए साइंस कॉन्फ्रेंस. आपने देखा होगा हर विश्वविद्यालय में, हमारे साइंस के प्रयोगशालाओं में, वैज्ञानिक संस्थानों में बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार होते हैं और उनकी जब अखबारों में रिपोर्टिंग होती है तो छपता क्या है अखबार में कि कुछ मुख्य अतिथि आए थे, उन्होंने ये बोला और उन्होंने ऐसा बोला. ये बहुत कम छपता है कि उस सेमिनार में किस विज्ञान के शोध की बात हुई, उसमें जो नोबेल लॉरिएट आए थे वो जो एरिया में रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च क्यों आवश्यक है और उससे इंसानी सभ्यता को क्या फ़ायदा होने वाला है. इन चीज़ों को बढ़ाने की आवश्यकता है और हमारे जब युवा जनरेशन, आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं, जब विज्ञान लेखन करेंगे तो ये लोगों को बता पाएंगे कि वो कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जो वैज्ञानिक इकट्ठा हुए थे उन्होंने किन नए विषयों पर शोध किया है और वो शोध मानव के किन हितों के लिए किए जा रहे हैं. तो आप देखें, कॉन्फ्रेंस आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मटेरियल फॉर साइंस राइटर्स. कोई भी कॉन्फ्रेंस बहुत क्रिटिकली बहुत मुख्य होती है, एक इंफॉर्मेशन का सोर्स होती है एक विज्ञान पत्रकार या लेखक के लिए. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज अबाउट मॉडर्न रिसर्च हैव बीन रिवील्ड एट दीज मीटिंग्स. एक उदाहरण देखें आप, कितनी ज़रूरी सूचनाएं बाहर निकल कर आती हैं. एग्जाम्पल देखें, 2001 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात हो रही थी और एक कॉन्फ्रेंस में जब इसकी बात हुई तो उसमें क्या निकल के आया, दुनिया भर के मीडिया में इसको सुर्खियों में रखा गया. टू कंसिडरेबल सरप्राइज एट द टाइम दैट ह्यूमन बींग्स हैव फार फ्यूअर जीन्स देन हैड प्रीवियसली बीन सपोज्ड. Fewer than 30,000, not the 1 lakh, so that many anticipated. जब ह्यूमन जीनोम परियोजना का अनावरण हुआ और ये आम मीडिया तक आया, आम पाठक तक आया, तो इसमें यह पता चला कि मानव में जो ये अभी तक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मानव में 1 लाख से अधिक जीन्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 1 लाख से कम होते हैं और 30,000 के भी अंदर होते हैं. तो ये एक नई सूचना निकल के आई और ये सूचना न केवल किसी एक देश में बल्कि दुनिया के हर एक देश की मीडिया में सुर्खियों में रही, हाईलाइट इसको किया गया और इसमें बहुत सारे और भी एस्ट्रोनॉमी और अन्य विषयों पर जो सूचनाएं इस कॉन्फ्रेंस में निकल के सामने आई उसको भी पूरी दुनिया के मीडिया ने हाथों हाथ लिया. अब आप देखें ये सूचनाएँ कैसे निकल कर बाहर आती हैं. कोई भी कॉन्फ्रेंस जब होती है आपके, आप जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, उस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस रिलेशन यूनिट होना आवश्यक है जो इन सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस की जानकारी पत्रकार को दे. और ये पत्रकार के लिए भी आवश्यक है कि अगर वो विज्ञान लेखन या विज्ञान या पर्यावरण के पत्रकारिता कर रहा है तो ऐसे मुद्दों को अपनी समझ के दायरे में लाए, विशेषज्ञों से बात करे और अपने मीडिया के जरिए समाज तक पहुँचाए. रिपोर्टिंग फ्रॉम ए साइंस कॉन्फ्रेंस, इसको हम और देखें, यू डोंट सिंपली रोल अप ऑन दी ओपनिंग डे एंड होप फॉर द बेस्ट. हम पहले दिन जाएं, कॉन्फ्रेंस का इनॉगरल अटेंड करके चले आएं या वैलिडेटरी फंक्शन अटेंड कर लें और सोचें कि हाँ हमने सब कुछ कर लिया और हम समाचार लेखन भी कर देंगे और हम आलेख भी बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. यू हैव टू वर्क इन एडवांस. आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाएं उसको कवर करने के लिए और आप एक पत्रकार हैं या आप एक विज्ञान पत्रकार हैं तो आपको तैयारी के संग जाना होगा और आपको 24 घंटे पहले अपनी तैयारी पूरी कर लेनी होगी कि वो सेमिनार में कौन कौन से विषयों पर लेक्चर्स होंगे, कौन से विशेषज्ञ आएंगे, कौन सी वार्ताएं होंगी और आपको ये पूरा कैलकुलेशन करके जाना होगा कि आपको इस तरह की खबरें वहां से मिलेंगी और आपको अपने न्यूज़पेपर या मैगजीन या चैनल के लिए ये चीज़ें आप सामने लाएंगे. अगर आप ये होमवर्क करके जाते हैं तो आप एक बेहतर काम वहाँ पर करेंगे, ना केवल इनॉग्रल अटेंड करेंगे बल्कि आप वैज्ञानिकों से बात करेंगे, उनके विषयों पर चर्चा करेंगे और वो चीज़ें बाहर निकाल कर लाएंगे. इफ़ यू कैन कॉन्टैक्ट ए प्रॉमिसिंग स्पीकर यू कैन प्रिपेयर योर पीस इन एडवांस लिविंग यू मोर टाइम टू वर्क ऑन अदर स्टोरीज द नेक्स्ट डे. अगर आप एक्सपर्ट से बात करते हैं और एडवांस में उसकी तैयारी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको और ज़्यादा अन्य स्टोरीज करने का भी अवसर अगले दिन मिलेगा. As to writing up your stories from the conference, the same rule apply as for any good news story. You should use crisp, short sentences and avoid complex clauses. आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं, बहुत क्रिस्प उसको रखना है, शॉर्ट रखना है, सिंपल रखना है और कॉम्प्लेक्स इशूज़ को, उसको जो कॉम्प्लेक्स जो भाषा है, जटिल शब्दावली है,
उसको अवॉइड करना है. वर्ब शुड बी एक्टिव व्हाइल एडजेक्टिव शुड बी केप्ट टू ए मिनिमम. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज योर इंट्रो, द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ योर स्टोरी. इट शुड बी नो मोर देन 26 वर्ड्स एंड शुड सम अप एज ड्रामेटिकली एज पॉसिबल द मेन पॉइंट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ योर स्टोरी. ये आप हमेशा ध्यान रखें, उसको आप एक अच्छे से सम अप करें, जिससे कि जो आम दर्शक पाठक या श्रोता की दिलचस्पी है वो आपकी स्टोरी में बनी रहे. अब जान लेते हैं कि अगर आप एक साइंस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं. डूज क्या हैं आप पहले जान लें. आइडेंटिफाई द सेशंस यू विल अटेंड. उन सेशंस की पुख्ता प्रॉपर जानकारी जो आप अटेंड करने जा रहे हैं. कॉन्टैक्ट रिसर्चर्स इन एडवांस. जो भी वैज्ञानिक या शोधार्थी वहाँ पर अपना पर्चा पढ़ने आते हैं उनसे आप पहले से संपर्क करें. कीप योर कॉपी क्रिस्प. आप जो भी लिखें वो बहुत संक्षेप में और समझ में आने लायक भाषा में होना चाहिए. डोंट, डोंट क्या है. डोंट जस्ट टर्न अप होपिंग फॉर द बेस्ट. आप कहीं सेमिनार में गए और आप अच्छा कर लेंगे ये उम्मीद कतई ना करें जब तक आपकी तैयारी नहीं है. और डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी ओवरवेलम्ड बाय द शीयर नंबर ऑफ पेपर्स. अगर आप एक वर्कशॉप में बहुत सारे पेपर्स देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आप कुछ उसमें से बना लेंगे, उसमें आपको ओवरवेलम्ड होने की आवश्यकता नहीं है. जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी आप समाचार आपको निकालने में मुश्किल होगी. तो आपकी समझ उस विषय की और जो वैज्ञानिक वहाँ पर आ रहे हैं उनके विषय की, उनकी विशेषज्ञता की समझ भी आपको होनी चाहिए. और अब बात करते हैं हाउ टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स इन साइंस राइटिंग. विज्ञान लेखन में जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमसे आपसे सभी से होती हैं उनको कैसे अवॉइड किया जाए. आर यू एग्जैगरेटेड एग्जैगरेटिंग. द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट कैन हैव ग्रेट इम्प्लीकेशन फॉर द फ्यूचर. इट इज़ वेरी इजी टू यूज दीज इम्प्लीकेशन एज ए हुक टू ड्रॉ रीडर्स. लेकिन उतना बढ़ा चढ़ाकर अतिशोक्ति करके आपको लिखने की या प्रकाशित करने की आवश्यकता शायद नहीं है. राइटर्स ऑफ प्रेस रिलीजेज एंड प्रमोटर्स ऑफ देयर ओन वर्क कैन ऑफन ओवरस्टेट देयर केस टू सेल देयर आइडियाज, विच इज व्हाई व्हेन राइटिंग योर ओन साइंस स्टोरी यू शुड ऑलवेज बी स्केप्टिकल. तो जब कोई भी न्यूज स्टोरी आप करें तो प्रेस रिलीज को सावधानी से पढ़ें, क्योंकि जिसने प्रेस रिलीज जारी की है ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई ओवर स्टेटमेंट बढ़ा चढ़ाकर बात को पेश किया गया हो, लेकिन हकीकत से आप वाकिफ हो जाएं, आप विशेषज्ञों से बात करें और वो प्रकाशित करें जो आवश्यक हो आपके पाठक को जानने के लिए. ओनली अ फ्यू साइंस पेपर्स पब्लिश्ड इन एनी ईयर विच एक्चुअली लीड्स टू ग्रेट एडवांसेस और हैव वाइड रीचिंग इम्प्लीकेशंस. ऐसे भी पेपर्स लेकिन बहुत कम संख्या में प्रकाशित होते हैं जो जिनके बहुत वृहद आयामी मैं कहूँ प्रभाव होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं. इस तरह के पेपर्स को भी आप आइडेंटिफाई करते चलें. और आर यू श्योर यू आर राइटिंग अबाउट सच साइंस जो कि किसी के काम आने लायक ना हो, तो ऐसे साइंस से हम बचें. बहुत सारे ऐसे भी रिसर्च होते हैं जिसका आम आदमी से कोई वास्ता नहीं होता. आप कोशिश करें जो आम व्यक्ति से, आपके पाठक से जिस विज्ञान का संबंध है वो स्वास्थ्य की बात है, न्यूट्रिशन की बात है, हेल्थ की बात है, पर्यावरण की बात है, ग्लोबल वार्मिंग की बात है, पॉल्यूशन की बात है, पानी की बात है, मौसम की बात है, उन रिसर्चेस को आप प्राथमिकता दें. डिड यू चेक विद एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट. क्या आपने जो लिखा है आप अपने विज्ञान संचार के उस आलेख को, रिपोर्ट को किसी न्यूज़ एक्सपर्ट को दिखाते हैं? अगर नहीं तो ये गलत है. अनलेस यू आर the expert in a field of research, you won't be able in a position to judge whether the findings of a research paper stand. Peer review is no guarantee that the study doesn't still have flaws. जी हाँ, peer review होने के बाद भी बहुत सारे flaws रह जाते हैं जिनको आपको देखना है कि वो आपके पत्रकारिता के जरिए कहीं गलत मैसेज ना जाए. Be sure to contact an authority in that field and ask them to read the research paper. Ask them the hard questions. Force them to reveal limitations. Chances are that the science is solid, but those bold claims in the paper about what the science can achieve don't stand up to this scrutiny of an independent expert. तो हमेशा ये ध्यान रखें, आप जब भी किसी रिसर्च पेपर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसको एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स से
उस पर सलाह मशवरा अवश्य करें ताकि किसी भी तरह की गलती होने की संभावना ना रहे। गलतियां कैसे होती हैं, एक उदाहरण के तौर पे 5 अरब मारे गए। अब वो 5 अरब यानी 500 करोड़ मारे गए या 5 अरबी नागरिक मारे गए, इसमें एक संदेह बना है, तो इसको स्पष्ट करना आवश्यक है और वो तभी स्पष्ट होगा जब आप उस न्यूज़ के प्राइमरी सोर्स तक जाएंगे जहाँ से वो समाचार आपको मिला है। उस प्राइमरी सोर्स को टच करना, एक्सपर्ट्स को टच करना, इंस्टीट्यूशंस को में जाना और वहाँ से सूचनाएँ लेके आना आवश्यक है। Have you edited your own writing? क्या आप अपना लिखा खुद संपादित करते हैं? ये भी एक बहुत आवश्यक है। जैसे कि बहुत समय से कहा जाता है, राइटिंग इज मोस्टली रीराइटिंग, लेखन जो है वो पुनर्लेखन होता है। फर्स्ट ड्राफ्ट आर हार्ड बट योर स्टोरी इज नॉट रेडी अंटिल इट हैज अंडरगॉन मैनी मैनी एडिट्स। एक लेखक एक विचारक है, उसके बाद एक लेखक है, फिर संपादक है और उस संपादन के बाद भी फिर एक लेखक है। यानी एक लेखक, आप रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, करस्पॉन्डेंट हैं या राइटर हैं, लेकिन आप उससे पहले एक संपादक हैं। आप जो भी सोचते हैं, अपने विचारों को काट छाट करते हैं, उनको एडिट करते हैं और उसके बाद एक अपने पेन के ज़रिए या कैमरे के ज़रिए अपने पेपर पर या कैमरे में उतारते हैं और उसके बाद भी आप उसका संपादन करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप जो भी लिखें उसका संपादन भी अवश्य करें। इफ यू कैन टेक ए गुड नाइट स्लीप आफ्टर राइटिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट, व्हेन यू वेक अप एंड रीड इट अगेन, यू विल फाइंड मेनी प्लेसेस वेयर एडिट्स आर नीडेड। आप बिल्कुल तसल्ली से उसको एक रात के लिए रख दें और आप दूसरे तीसरे दिन जब उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको अपनी गलतियां और कमियां खुद ब खुद आपको सामने नजर आ जाएंगी। दिस इज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, इंस्टेड टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर इट मेक्स एफर्टलेस रीडिंग, फिल गैप्स टू मेंटेन लॉजिकल कंसिस्टेंसी, कट ऑफ सुपरफ्लॉस वर्ड्स, गेट रिड ऑफ अननेसेसरी डिटेल। आर यू मिक्सिंग मेटाफर और ओवर यूजिंग दैम? अतिशोक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। मेटाफर्स का प्रयोग लिमिटेड करें। आस्क एनी गुड राइटर दैट दे विल ग्लैडली एडमिट टू हीडिंग द एडवाइस ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। और वो क्या एडवाइस है? यूज मेटाफर्स स्पेरिंगली, इफ यू डू यूज देम डोंट मिक्स देम। आप अतिशोक्ति जहाँ भी प्रयोग करें, खासतौर पर विज्ञान के लेखन में, उसको अलग से प्रयोग करें, विज्ञान के साथ उसको मिलाने की चेष्टा कदापि ना करें। साइंस राइटर जैकब एरॉन गॉट इट राइट, एनालॉगीज इन साइंस राइटिंग आर लाइक फॉरक्लिफ्ट ट्रक्स, व्हेन यूज्ड करेक्टली दे डू अ लॉट ऑफ हैवी लिफ्टिंग, बट इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग यू विल क्विकली ड्राइव देम इनटू अ वॉल ऑफ लेबर्ड मेटाफर्स एंड कॉज सम मेजर डैमेज। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं फूड इरेडिएशन की, जिसमें आप ये बताने जा रहे हैं कि फूड इरेडिएशन में फलों और सब्जियों में नाभिकीय रेडिएशन प्रविष्ट कराया जाता है और आपको ये नहीं पता कि फूड इरेडिएशन से फसलों को शेल्फ लाइफ दी जाती है, फसलों को सड़ने से बचाया जाता है, तो हो सकता है कि आप अपने लेखन में वो सुनी सुनाई बातें भी लिख दें जिसमें ये कहा जाता है, जो र्यूमर है, जो अफवाह है कि फूड रेडिएशन के बाद रेडिएशन फलों और सब्जियों में ही रह जाता है और उसको खाना खतरनाक हो जाता है, जो कि कोरी अफवाह है, ये बेकार की बात है। और इन सुनी सुनाई बातों और जो अफवाहें चली आ रही हैं वो आपके लेखन में कतई नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आप आवश्यक है कि विषयों को पढ़ें, विशेषज्ञों से बात करें और उसको पुख्ता सोर्स से जानकारी मिलने के बाद संपादित करें। आर यू लेक्चरिंग योर रीडर्स? क्या आप जब अपने रीडर्स के लिए लिखते हैं अखबारों में या किसी भी मीडिया में, खासतौर पर साइंस और एनवायरमेंट की बात, तो क्या कहीं आप उन्हें लेक्चर तो नहीं दे रहे? इसका हमेशा ध्यान रखें। नो वन लाइक्स टू बी टॉक डाउन टू, नॉट इवन स्टूडेंट्स इन ए लेक्चर हॉल। When writing, assume that your readers have no knowledge beyond high school science, but always respect their intelligence. Nothing is more off-putting than a उसको आप ये मत सोचें कि आपने कुछ कंसीडर कर लिया कि हाँ ये हमारा ऑडियंस ऐसा होगा, तो आप उसको उसी सोच को लेकर अपनी ऑडियंस को ये मत सोचें कि हमारा ऑडियंस ऐसा ही होगा।
तो उसको अपनी सोच को एक स्थान पर स्थिर कर लेना आपको मुझे लगता है कि वो आपके लेखन को सही दिशा में नहीं ले जाएगा. हैव यू चेक्ड योर फैक्ट्स? क्या आपने अपने फैक्ट्स चेक किए हैं? अगर आप अपने फैक्ट्स को चेक नहीं करते हैं तो अवश्य उसको चेक करें. नो मैटर हाउ गुड योर स्टोरी इज, फैक्चुअल एरर्स कैन किल इट. और जो भी फैक्चुअल एरर हैं उनको आप अवश्य संभालें, संवारें, उसके बाद आप आगे बढ़ें. डबल चेक एंड ट्रिपल चेक फ्रॉम ओरिजिनल सोर्सेज दैट यू हैव योर फैक्ट राइट. आपको जब तक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की पुष्टि ना हो जाए आप उसको प्रकाशित ना करें. डोंट रिलाई सोलली ऑन विकिपीडिया. डोंट ट्रस्ट द नंबर्स इवन इफ दे कम फ्रॉम द माउथ ऑफ ए रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट. विकिपीडिया पे आप उसको यकीन कतई ना करें जब तक आप प्राइमरी सोर्स से उस इन्फॉर्मेशन को पुख्ता ना कर लें. नहीं तो क्या होगा, जो एग्जाम्पल आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिनेवा के निकट लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर महामशीन का महाप्रयोग आरंभ हुआ. गूगल पर खबर आई कि कुछ ब्लैक होल जैसा बनेगा और ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, जो कि एक अफवाह थी. कुछ बददिमाग लोगों ने ये अफवाह क्रिएट की थी, लेकिन इस अफवाह को कुछ पत्रकारों ने गूगल से लेकर इसको खबर बनाया और उस खबर को पढ़कर 16 साल की एक बच्ची ने सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली. इतनी वो खौफजदा हो गई. तो बहुत ताकत है इस संचार में, इस मीडिया में जिसमें आप जाने वाले हैं. और आप जब विज्ञान की बात करेंगे, एनवायरनमेंट की बात करेंगे, तो आपको फैक्चुअल होना पड़ेगा. आपको तथ्यों पर, और तथ्य हमेशा सत्य होते हैं जब वो एक प्राइमरी सोर्स, एक विशेषज्ञ या एक विज्ञान की प्रयोगशाला से निकल कर आते हैं. तो उन तथ्यों पर आपको भरोसा करना पड़ेगा और उन तथ्यों के साथ एक संपादित खबर या लेख आपको मीडिया में प्रकाशित करना होगा. ये एक चैलेंज है. और हमेशा जब भी आप कुछ खाना पकाते हैं तो उसको चखते हैं, किसी को चखाते हैं, वैसे ही यहाँ भी होता है. अगर आप कोई भी लेख लिख रहे हैं, वो विज्ञान का है या मनोविज्ञान का है, आप उसको अपने सिस्टर या ब्रदर को पढ़ने को दें. इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए स्टोरी यू विल हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग रिसर्च एंड लर्न plenty of things about the science, but don't try to fit them all into your story because you will lose the most interesting parts in the detail. Stay focused on what is most interesting in your 800 word article and bring it out for the reader. This is not a research paper. Kisi akhbar ke liye ya magazine ke liye aap jo likh rahe hain to wo shodh aalekh ya shodh patra nahi hai. Ye 800 se 1000 shabdon ka एक छोटा सा आलेख होता है जिसमें जानकारियां होती हैं, जिसमें नई शोध के बारे में आपको आम आदमी को बताना होता है. अगर आप उसको लंबा चौड़ा लिख देंगे, उसमें आप जर्गन्स और कई सारे जो हमारे रिसर्च पेपर में हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनकी, तो वो शायद पढ़ने लायक नहीं रह जाएगा. तो 800 शब्दों में आप रिसर्च की फाइंडिंग्स, जो भी प्रयोगशाला में हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्या निकल कर सामने आया, तब आप जब लिखेंगे तो वो शायद ज्यादा दिलचस्प बन पड़ेगा. हैव यू गॉट फीडबैक फ्रॉम ए फ्रेंड? हो सकता है कि आपके भाई बहन या आपके पेरेंट्स आपकी आलोचना ना करें, लेकिन अगर आप कुछ दिनों के बाद अपना आर्टिकल, अपनी स्टोरी अपने किसी एक मित्र को पढ़ने को देते हैं, तब आपको और वो आपकी आलोचना करेगा कि नहीं, इसमें यह भी चीज कम है, इसमें यह भी होना चाहिए. Having spent many hours working on the same story can make obvious mistakes invisible to the writer. आप जब एक आलेख लिखते हैं तो आपको अपनी गलतियां शायद नहीं दिखाई पड़ती हैं जो दूसरा पकड़ सकता है. A fresh pair of eyes will catch those mistakes or corrections. अब आप ये जानते चलें कि common mistakes को avoid करने के लिए क्या do's और don'ts हैं. डू चेक योर फैक्ट्स, अपने फैक्ट्स फिगर्स को चेक करें. एडिट योर ओन राइटिंग, गेट अ फ्रेंड टू रीड योर ड्राफ्ट. आप अपने मित्र को अवश्य शामिल करें, उसको पढ़ाएं, उसको पढ़ने को दें. डोंट एग्जेजरेट, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करें. डोंट ओवर यूज और मिक्स मेटाफर्स, अतिशोक्ति का प्रयोग बहुत ज्यादा ना करें. डोंट टॉक डाउन टू द रीडर, रीडर को बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव वे में अपने आप को पेश ना करें कि पाठक को या रीडर को आपको पढ़ने में
या समझने में दिक्कत का सामना करना पड़े। कंडक्टिंग इंटरव्यूज विद साइंटिस्ट, अगर आप वैज्ञानिकों के इंटरव्यूज करते हैं, इसको भी हम देख लें कुछ स्लाइड्स में। आस्किंग फॉर टाइम टू अ साइंटिस्ट फॉर इंटरव्यू, आप वैज्ञानिकों से जब भी बात करें उनसे समय लें, क्योंकि वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में व्यस्त रहता है, एक पत्रकार अपने पेशे में व्यस्त रहता है, उसको रिपोर्ट फाइल करनी है शाम को 6 बजे, आरेख पूरा करना है रात के 8 बजे या 6 बजे, एक वैज्ञानिक के पास समय है उसके लैब के बाद 5:30 बजे। तो आप देखें, आप जब तक उसको समय नहीं लेंगे और आपको वो समझे और आप उसको समझें, एक दूसरे के प्रोफेशन को समझना बहुत आवश्यक है। और हमेशा गेट ऑर्गेनाइज्ड, आप जब भी किसी वैज्ञानिक का इंटरव्यू करने जाएं, वेयर विल यू मीट एंड व्हेन, इट साउंड सिंपल बट दीज थिंग्स कैन गो रॉन्ग वेरी इजली, पिक अ कन्वीनियंट प्लेस विद द प्राइवेसी एंड क्वाइट यू नीड, चेक टाइम जोन्स एंड डेट केयरफुली टू अवॉइड बींग स्टूड अप और वर्स स्टैंडिंग योर इंटरव्यू अप, कीप ए रिकॉर्ड, सम राइटर्स टेक नोट्स एज द इंटरव्यू, अदर्स यूज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर और फोन। अगर आप किसी साइंटिस्ट का इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो आपको रिकॉर्डर का प्रयोग करना आता हो, रिकॉर्डर सही कंडीशन में हो, उसमें सेल भी पड़े हों, ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मुझे लगता है कि इस विज्ञान पत्रकारिता के पेशे में सीखनी होंगी। और अब हम ये चर्चा यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि समय का इशारा मिल चुका है, और अगली बार फिर हम कुछ बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको विज्ञान संचार के किसी नए आयाम से परिचित कराएं। Now I would like to thank sir for this enriching discussions, and thank you friends for watching. Stay tuned and keep watching. Thank you.